वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग कॉर्नर विद शालिनी। सो आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए लेके आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट मीशो होम डेकोर हॉल। रिसेंटली मैंने बहुत सारी चीज़ों को परचेज किया है, कुछ चीज़ें मैं इसी वीडियो में शो करूँगी, कुछ चीज़ें जो है इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें शो करूँगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आपको होम डेकोर हॉल देखना पसंद है तो। सो मैंने दिवाली के लिए किए हैं बहुत सारे शॉपिंग, आप भी कर सकते हो। एंड हाँ, हम सबको होता है कि दिवाली में थोड़ा सा चेंजेस चाहिए होता है या फिर बहुत सारी नई नई चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि सफाई करने के ड्यूरिंग हमें पता चलता है कि हमारे पास ये तो है ही नहीं। सो उसी सब चीज़ों को मैंने माइंड में रख के बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं शो करने वाली हूँ। सो इनकेस अगर आज के वीडियो में से आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, आप उसको परचेज करना चाहते हो, तो इनका बाइंग लिंक नहीं सॉरी इनका कोड आपको मिल जाने वाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वहाँ से आप कोड लीजिएगा, मीशो पे सर्च करिएगा एंड आप इजीली इन सारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं इन सब चीज़ों में, फटाफट स्टार्ट करेंगे हम अपने आज का वीडियो। तो गाइस, जो आज के हॉल की मैंने स्टार्टिंग की है ना, स्टार्टिंग क्या की है, जो प्रोडक्ट रखे ना बहुत ज़्यादा मिस मैच वाली प्रोडक्ट्स हैं, कुछ होम डेकोर के हैं, कुछ ऑर्गेनाइजर हैं। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैं शो करूँगी, ये एक फ्लावर आया है छोटा सा क्यूट सा। सो इस तरीके के इसके पार्ट्स निकाल के आए हुए थे, तो यहाँ पे आपको बंच मिल जाएगा फ्लावर का, काफ़ी ग्रीन ग्रीन सा कलर है, बिल्कुल ओरिजिनल वाला वाइब्स दे रहा है। उसके साथ आपको बहुत प्यारा सा वुडन स्टैंड मिलेगा एंड ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। सो आपको बिल्कुल यहाँ पे ऐसे टक कर देना है एंड काफ़ी साइज ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है। एंड ये आपको टू मिलेगा, मतलब इसका कॉम्बो है, मतलब एक के साथ एक आया है, ये दोनों एक साथ था। सो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस के साथ दो फ्लावर मिल रहे हैं, तो आप कहीं भी टीवी कैबिनेट पे, शॉप पे या फिर आपका जो वॉल हैंगिंग होता है वहाँ पे भी इसे आप आराम से लगा सकते हो। देखने में काफ़ी खूबसूरत, बहुत ज़्यादा लाइट वेट एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम ही पे किया था मैंने इसके लिए। सो अगर प्राइस से कंपेयर करेंगे ना तो वर्थ बाइंग है। ये पूरा वुड का दिया हुआ है, देखने में काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसे अपने शॉप पे रखने के लिए या अपने होम डेकोर के आइटम में इंक्लूड कर सकते हो। सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस, जो इस हॉल के लिए मैंने नेक्स्ट आइटम लिया हुआ है वो मैं आपको शो करूंगी, एक बहुत ही प्यारा सा मल्टी कलर का ना ये फ्रिज कवर है। मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, दैट्स व्हाई मैंने इसे पिक किया। तो ये फ्रिज कवर का पूरा सेट रिसीव हो रहा है आपको, मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। कलर इसका काफ़ी वाइब्रेंट था, काफ़ी कूल दिख रहा था, तो मैंने इसे पिक कर लिया। अभी रिसेंटली मैंने न्यू फ्रिज लिया है, तो मुझे लगा कि चलो पहले से था मेरे पास, बट मैंने कहा कि चलो न्यू है तो उसके लिए कवर भी न्यू ही लेते हैं। तो इस तरीके का काफ़ी मल्टी कलर वाला ये आपको मिल जाएगा, तीन, ओके, वन टू थ्री, ओके थ्री आपको पीसेस मिल जाएंगे इस तरीके के। ये प्लास्टिक बेस के हैं एंड इसका प्रिंट बहुत सुंदर लग रहा था, आप इसको चाहो ना तो वॉल पे भी चिपका सकते हो, बहुत अच्छा सा आपका एक सीनरी का लुक मिल जाएगा। सो दिस इज़ द आपका ट्रे टाइप का है, उसके बाद से ये आपका हैंडल कवर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा फैब्रिक वाला इसमें आपको मिल जाएगा, फैब्रिक अटैच किया हुआ है, तो इसकी साइन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, बट हाँ प्रिंट आपका सेम टू सेम है। तो ये आप ऐसे अपने हैंडल पे यहाँ पे आप स्टिक कर सकते हो, तो हैंडल अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा ऊपर का कवर ये फ्रिज का। सो काफ़ी मल्टी कलर का आपको प्रिंट दिख रहा है एंड काफ़ी विड्थ काफ़ी अच्छी है इसकी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दोनों साइड में पॉकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो जो चीज़ें इधर उधर गुम हो जाती हैं आप इन पॉकेट्स में डाल के उसको भी अच्छे से सिक्योर कर सकते हो। सो ये रही मेरी सेकंड प्रोडक्ट, मूव ऑन करते हैं हम। जो इस हॉल के लिए मैंने नेक्स्ट आइटम लिया हुआ है वो टोटल 10 पीसेस का मैंने ये लिया हुआ है, हैंगिंग पॉट बोल सकते हो।
काफ़ी इसकी साइज़ काफ़ी अच्छी आई है। टोटल आई थिंक मैंने 10 लिया है कि 12 लिया है, जो भी है वो मैं अभी आपको साइड में कहीं इमेज में दे दूंगी, वहाँ पे देख लीजिएगा। क्योंकि अभी मेरे पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए मैंने इसको कम ही रखा है, आपको बस शो करने के लिए कि क्वालिटी कैसे रिसीव हुई है एंड क्वान्टिटी कैसी है। तो काफ़ी क्यूट सा साइज़ है, तो आप अपने बाहर का जो आप सबका बालकनी होता है वहाँ पर इसे ईजिली हैंग कर सकते हो। एंड इसके कलर ना काफ़ी वाइट मतलब ब्राइट ब्राइट से कलर में आपको ये रिसीव होगा। एंड हर कलर में ना 2-2 पीसेस हैं, तो आई थिंक आपको 5 पीसेस ओके आई थिंक आपको 10 पीसेस रिसीव हो रहे थे, वो बाकी आपको साइज साइड में मेंशन हो जाएगा या फिर मैं सामने भी दे दूंगी कि मुझे कितने रिसीव हुए थे। एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर कर रखे थे। सो इस तरीके का साइज भी काफ़ी अच्छा है एंड हैंगिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके बालकनी को बहुत सुंदर सा लुक दे देगा। या फिर आपका अंदर का भी जो सीढ़ी का एरिया होता है ना वहाँ पे भी आप लगाओगे ना तो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। और सबसे ज़्यादा डाउट था इसके साइज़ का, जो कि काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ है। मार्केट में मैंने 70 रुपीज़ में पर पीस का आई थिंक इसे पूछा था, तो मुझे यहाँ पे ये अप्रॉक्स 30-35 रुपीज़ में मिल गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्वालिटी भी काफ़ी अमेजिंग रिसीव हुई है। सब ये रहे मेरे नेक्स्ट पीस, मूव ऑन करते हैं। जो मैंने नेक्स्ट आइटम लिया हुआ है ना वो अपने पूजा घर में रखने के लिए अपने मंदिर के लिए लिया हुआ है, लड्डू गोपाल की एक बहुत प्यारा सा सिंहासन है। क्वालिटी बहुत अच्छी ज़्यादा रिसीव हुई है इसकी, काफ़ी पहले मैंने इसको लिया था बट हॉल में इंक्लूड करने के लिए मैंने इसे अभी तक मंदिर में रखा नहीं था, तो मैंने कहा पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए फिर मैं इसे इनके सही जगह पर रख दूंगी। तो आपके पास भी अगर लड्डू गोपाल है ना तो उनको विराजमान कराइए इस खूबसूरत से सिंहासन के ऊपर। ये पूरा वेलवेट का आपको बेस मिल जाएगा एंड ये ना ये जो आपको येलो येलो पार्ट दिख रहा ना ये प्रॉपर कॉपर का होगा या आयरन का होगा। ऊपर से जो पॉलिशिंग है वो तो आपको पूरे ये येलो येलो वाली दिख रही है, काफ़ी अच्छी से डिटेलिंग की हुई है एंड काफ़ी वेटेड है। प्लस यहाँ पे आपको ये लगा के भी दिया हुआ है स्टैंड, तो जहाँ भी आप रखोगे ना बहुत सुंदर दिखेगा। एंड ये तो हर एक घर में जहाँ भी लड्डू गोपाल है ना वहाँ ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। सो मैंने शो कर दिया है, प्राइस भी काफ़ी वर्थ बाइंग थी, बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मुझे रिसीव हो गया था। उसके अकॉर्डिंग प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी एकदम माइंड ब्लोइंग रिसीव हुई है, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस जो इस हॉल का मैंने नेक्स्ट आइटम लिया हुआ है उसकी साइज में आप इमेज देख सकते हो, काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है एंड काफ़ी इस टाइम ट्रेंडिंग में भी है। तो इस तरीके का ये वुडन का एक पूरा आपको मिलेगा राउंड शेप में डिज़ाइन किया हुआ, उसके साथ आपको इस तरीके का स्टैंड मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने हुक जैसा बना के दिया हुआ है, आपको बस इस जो होल्स है ना इसके अंदर इसको फंसा देना है। बाकी मैं आपको साइड में दिखा भी दूंगी कि मतलब इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। सो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज कर लेना है एंड देन ये आपको एक बहुत प्यारा सा वॉल स्टैंड आपका रेडी हो गया, किसी भी वॉल पे कहीं भी आप इसे लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। एंड इसको लगाने के बाद आप इस पर कोई भी डेकोर के आइटम लाइक दिस आप रख सकते हो। तो प्लेन से वॉल पे अगर आप इसको लगाओगे ना तो अगर खाली भी रखोगे तो बहुत सुंदर दिखने वाला है। एंड इसके पीछे आपको स्टिक करने के लिए क्या कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जो नॉर्मल आजकल सीनरीज आते हैं ना उनके पीछे भी लगा होता है डबल साइडेड टेप, तो आपको भी यहाँ पे डबल साइडेड टेप के थ्रू आप इसे कहीं भी किसी भी वॉल पे स्टिक कर लोगे, काफ़ी खूबसूरत लगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये आपको 3 पीसेस रिसीव हो जाते हैं, तो आप कोई भी अच्छे से वॉल को डेकोर करने के लिए डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस का भी था, तो किसी के भी बजट में ये अच्छे से बैठ सकता है। सो नॉर्मल से वॉल को थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए आप डेफिनेटली इस चीज़ इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। सो जो मैंने नेक्स्ट आइटम लिया हुआ है ना ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है, तो ये एक मैं बोल सकती हूँ आपका ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है या कोई भी प्रोडक्ट आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो घर के छोटे छोटे। तो यहाँ पे आपको 3 लेयर्स मिलेंगे, इससे पहले भी मैंने ऑर्गेनाइजर लिया हुआ था तो वो इस तरीके के ना स्क्वायर वाले बॉक्स में रिसीव हुआ था, काफ़ी बड़ा सा था, स्पेसियस मतलब काफ़ी स्पेस ले रहा था। बट यहाँ पे क्या है ना आपको 3 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं अलग अलग सेपरेट आप कर सकते हो, यहाँ से आपको ओपन करना है देन यहाँ पे आपको 1, 2, 3 मतलब इस तरीके के एक में 6 मिलेंगे, तो इसमें आपको एंड ना इसकी जो विड्थ है वो भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी हैवी भी ज्वेलरी है ना तो आपके अच्छे से इसमें फिट हो जाएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंपार्टमेंट, उसके बाद से आपको मिलेगा जैसे हम लंच बॉक्स ओपन करते हैं ना उसी पैटर्न पर आपको यहाँ पर मिल रहा है सारे के सारे कंपार्टमेंट्स।
काफी यूनिक प्रोडक्ट है एंड काफी यूजफुल प्रोडक्ट है, तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। जो आपके बड़े बड़े ज्वेलरीज है ना वो भी आराम से फिट हो जाएंगे। क्वालिटी प्लास्टिक की काफी प्रीमियम दी हुई है, जल्दी टूटने फूटने वाला नहीं है। प्लस आप चाहो तो ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करके कहीं सामने भी रख दोगे ना, तो वो एक बोल सकते हैं कि होम डेकोर में ही आ जाएगा, काफी डेकोरेटिव पीस लगेगा। अगर आपके पास खूब सारी ज्वेलरी इसमें आप भर के रखो तो सोचो कितना खूबसूरत दिखेगा। तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो, वर्थ बाइंग है प्राइस के अकॉर्डिंग। प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफी अच्छी दी हुई है, लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली है। सो ये रही मेरी नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो जो इस हॉल में मैंने नेक्स्ट आइटम लिया हुआ है ना, ये बहुत खूबसूरत है एंड काफ़ी यूनिक, काफ़ी डिफरेंट सा है। यहाँ मैंने लिया हुआ है एक बहुत ही प्यारी सी वॉच, वॉल पे आप कहीं भी लगा सकते हो। इसका जो पूरा पैटर्न आपको रिसीव हो रहा है ना, ये वुडन है, मतलब जो आजकल वुड के ज़्यादा प्रोडक्ट चल रहे हैं ना, वही वाला वुडन दिया हुआ है। काफ़ी लाइट वेट है एंड काफ़ी एंटिक लुक दे रहा है। इसके साथ ना मुझे यहाँ पे 4 बटरफ्लाइज रिसीव हुए हैं जो कि डबल साइडेड टेप स्टिक करके आए हुए हैं। इनके साथ आपको ना पीछे में यहाँ पे हुक्स प्रोवाइड किया गया है, तो आप किल के थ्रू इसे कहीं भी लगा सकते हो। साथ ही साथ आपको इस तरीके के काफ़ी डिफरेंट शेप के इस तरीके के 4 बटरफ्लाई मिल रहे हैं। इसका ओरिजिनल इमेज मैंने पहले ही शो कर दिया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, या फिर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से ही बटरफ्लाई जाएंगी, नीचे से भी जा सकती हैं, आपका जैसा मन हो वैसा इसे आप स्टिक कर सकते हो। लगाने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, क्वालिटी भी अच्छी है, खास मतलब ना प्राइस के अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छी रिसीव हुई है क्वालिटी। देखने में जो चीज़ें खूबसूरत लगती हैं वो वैसे ही वर्थ बाइंग हो जाती हैं, तो आप अपने होम डेकोर में इस आइटम को ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। या फिर आपको किसी को गिफ्ट भी करना हो ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा सा पीस है। डेफिनेटली आप जिसको आप दोगे ना उसको भी पसंद आने वाला है। सो दिस इज नेक्स्ट आइटम, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस, जो इस हॉल का नेक्स्ट आइटम मैंने लिया हुआ है, इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया, तो मैं इसको आपके सामने ही ओपन भी कर लेती हूँ। यहाँ पे ना ये फ्लावर फूल की जो लड़ियाँ आती हैं ना प्लास्टिक के फूल की, वो लिया हुआ है। दिवाली के ड्यूरिंग इनका बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर की लड़ियाँ ली हुई हैं फ्लावर की। एंड टोटल आई थिंक मुझे रिसीव कितने पीसेज होते हैं मैं आपके सामने ही काउंट करके शो कर देती हूँ। क्वालिटी काफ़ी अच्छी रिसीव होती है, लास्ट ईयर भी मैंने इसमें से परचेज किया था एंड इस साल भी मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे बन आपको पूरी ऐसे लंबी लंबी सी लड़ियाँ मिलेंगी, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपको इस तरीके से बंचेस के बड़े बड़े से लड़ियाँ रिसीव होती हैं फ्लावर की, जो आप दिवाली में तो सबके घर में ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अभी आपको ना पिचकी पिचकी से दिखेगी, पर ना आप इसको थोड़ा सा रफ करोगे तो ये अपने शेप में आ जाएगी, बिकॉज काफ़ी दूर से पैक होके आया रहता है, इस वजह से इस तरीके से दिखता है, नहीं तो ये काफ़ी फुले फुले से दिखते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ ना कि अगर ये गंदे हो जाते हैं तो आप इन्हें वॉश भी कर सकते हो, वॉशेबल होते हैं, हैंड वॉश कर सकते हो एंड फिर से इसके ऊपर बहुत प्रॉपर सा शाइन आ जाता है। मैंने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा लिया था, अप्रॉक्स 12 लिया था डिफरेंट कलर का, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे होगा। एंड अगेन मैंने ले लिया है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। और इसकी लड़ियाँ भी ना अप्रॉक्स 3 से 4 मीटर लंबी हैं, तो आप कहीं भी इसे डेकोर के लिए आराम से यूज कर सकते हो। दिवाली में तो शॉप पे भी चाहिए होता है, अगर आपकी शॉप है, घर है या आपका मेन डोर है, तो वहाँ पे ये सब लगाओ ना तो बहुत सुंदर दिखता है। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट पीस, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट। जो इस हॉल में मैंने नेक्स्ट आइटम लिया है ना, ये बहुत खूबसूरत सा मुझे एक पॉट मिला है एंड इस तरीके से ये अलग अलग से पार्ट्स में आया था, तो आप यहाँ पे इसे अटैच करोगे तो इसका काफ़ी खूबसूरत सा बेस बन जाएगा एंड इसका लुक ही पूरा चेंज कर देगा ये इसका बेस। तो वाइट कलर का प्लास्टिक का मटेरियल बहुत अमेजिंग रिसीव हो रहा है, तो मैंने इस पॉट को लिया हुआ है इंडोर प्लांट में यूज़ करने के लिए। आप आउटडोर में भी ले सकते हो, इंडोर में भी कहीं भी लगाओगे ना तो बहुत अच्छा सा लुक देगा। ये आपको 2 पीसेज रिसीव होते हैं, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, लुक भी बहुत खूबसूरत है। दोनों देखो एक साथ लगने पे, मतलब लुक ही चेंज कर देगा जिस भी एरिया में लगेगा, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। मुझे बहुत यूनिक लगा था ये प्रोडक्ट। अच्छा, इसके अंदर आप थोड़े से अगर आपके पास इंडोर प्लांट लगाना है, थोड़ा सा बड़ा प्लांट है, तो वो भी इसके अंदर आराम से आ जाएगा एंड जहाँ लगेगा ना उस एरिया की खूबसूरती को ये बढ़ा देने वाला है। सो ये 2 पीसेज रिसीव हो जाते हैं, आप अप्रॉक्स 250 के आसपास में मैंने दोनों लिया था, तो उस हिसाब से मुझे वर्थ बाइंग लगा है क्योंकि प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत हैवी वाली है।
शाइन भी आप देख ही सकते हो, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। जो इस हॉल का मैंने नेक्स्ट आइटम लिया हुआ है, ये लिया है, ये अगेन ये भी दिवाली में बहुत ज़्यादा यूज होता है, दिस इज अ उर्ली लिया हुआ है, बट हाँ मीशो का लिया हुआ था तो मीशो अपना छाप छोड़े बिना मानेगा कैसे। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एक बहुत ब्यूटीफुल सा उर्ली, व्हाट द प्राइस है, मतलब साइज ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, मीडियम सी आपको साइज रिसीव होती है यहाँ पे। अच्छा, इसकी छाप जो है ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये इसका बैक पार्ट है। तो मीशो को करना ये था कि यहाँ पे आपको गोल्डन कलर देना था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो ये कलर फ्रंट में दिया हुआ है वो देना था, बट मीशो में तो चलता है इतना, उसको माफ़ी देना चाहिए, बिकॉज आपको प्रोडक्ट अगर सीधी साधी रिसीव हो गई है वही बड़ी बात है। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी रिसीव हुई है, पूरा ना ये आयरन से बना हुआ है, हैवी भी है, लुक भी बहुत सुंदर है। आपको टू पीसेस में चाहिए तो आप ले सकते हो, मैंने एक ही लिया हुआ है, तो पूजा में भी रख सकते हो या फिर ऐसे भी कोई डेकोरेशन का आपको कहीं कुछ डेकोर करना है ना तो वहाँ पे भी लगाओगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, एंड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे उल्टा पेंट करके मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा, हो सकता है आपको सीधा पेंट करके मिल जाए, बाकी ये टोटली आपके ऊपर है। मैं जितने मीशो से प्रोडक्ट लेती हूँ उन सब में मेरा रहता है कि मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मीशो आपको क्या भेजेगा इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। मेरे साथ भी बहुत सारा ऐसे कई बार फ्रॉड हो चुके हैं, तो मैं बता देती हूँ कि आप अपने ओन रिस्क पे ले सकते हो। बाकी क्वालिटी अच्छी है, लुक अच्छा है, बस वही कलर का है, तो मैं ये खुद से अपने अकॉर्डिंग इसको पेंट कर लूँगी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट आइटम, मूव ऑन करेंगे हम आज के लास्ट की तरफ, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, तो मैं सेकेंड पार्ट में बाकी की चीज़ें शो करूँगी। जो नेक्स्ट आइटम मैंने लिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा ओपन करके मैं शो करूंगी आपको, ये 3 kgs के ना वो जो पेबल्स आते हैं ना आप एक्वेरियम में लगाते हो या फिर इंडोर प्लांट्स के अंदर जो डालते हो, अभी जैसे मैंने ये बेस लिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा हैवी करने के लिए, नहीं तो बड़े अगर मैं प्लांट लगाऊंगी ना तो वो गिर जाएंगे, तो उसको हैवी बेस करने के लिए मैंने ये 3 kgs लिए हुए हैं पेबल्स, छोटे छोटे कलरफुल वाले हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आपको ओपन करके शो कर देती हूँ। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गया था, और एक अच्छी चीज़ थी जो मैंने इसकी जो क्वांटिटी थी ना, कोई 5 kg का था, कोई 6 kg, कोई 8 kg, बट जो 3 kg वाला था ना उस पर डिलीवरी चार्ज नहीं था, और इससे ज़्यादा पे भी था डिलीवरी चार्ज, इससे कम पे भी डिलीवरी चार्ज था, आई डोंट नो ऐसा क्यों था, तो मैंने ये कम 3 kg वाला लिया है। सो इस तरीके के आपको ना मल्टी कलर वाले छोटे छोटे से पेबल्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो बाहर नहीं जाके ले सकते उनके लिए काफ़ी अच्छी है। तो इसको आप किसी भी प्लांट में डाल के उस प्लांट का लुक अच्छा कर सकते हो, या फिर आपको एक्वेरियम में भी डालना ना तो डाल सकते हो। मैं ऐसे शो करूँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, काफ़ी कलरफुल से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको पेबल्स भी रिसीव हो रहे हैं, तो अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। सो ये रहा आज का एक छोटा सा हॉल वीडियो, आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा या फिर हेल्पफुल रहा होगा आपका आज का वीडियो आप सभी के लिए। अगर हेल्पफुल रहा होगा या फिर थोड़ा भी पसंद आया होगा ना, तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।